तो आई थी यार। वो देख फिर से आई, सुना है कहाँ से आ रही है? वो देने के लेने पड़ जाएंगे है? मेरी बात सुन, 12 बज रहे हैं, कोई पता नहीं है। चलो चलो फिर ऊपर यार, चल यहां पे ना ऊपर चल यार, पहाड़ में कुछ भी हो सकता है। वो देख देख वो देख फिर से आवाज आई है। नहीं ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। आ जा जा जा, पता नहीं यार क्या चीज है, आवाज तो बड़ी खतरनाक आ रही है भाई। रवि भाई ने हथियार पकड़ लिया, क्योंकि पता क्या हो रहा है, सामने से टॉर्च बहुत ज्यादा मारी जा रही है गांव के लोगों की तरफ से। तो दोस्तों रात हो चुकी है और ब्यूटीफुल चांद हमारे बिल्कुल घर के सामने आ चुका है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है, तो यार मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी खाना बन जाए और खाना वाना खा के हम ऊपर सो जाएं। यहाँ देख कुत्ते कितने भौंक रहे हैं। दोस्तों अभी हमने गाने लगाए हुए थे, हम एंजॉय कर रहे थे, बट तरुण की आवाज़ ही कहता गाने की आवाज़ बंद करो, आवाज़ आ रही है। तो रवि भाई ने सीधा हथियार पकड़ लिया एक मिनट में, क्योंकि रवि भाई को पता है यार जंगलों में कैसे रहना होता है। और यहाँ पर एक कड़ी डाल रहे हैं, इतनी सही लग रही है देखते हुए। आवाज आ रही है ना नीचे से, देखे है नीचे। ओ, ओ, दोस्तों आवाज आ रही है, मजाक नहीं कर रहे रवि भाई, आवाज आ रही है, मजाक नहीं कर रहे हैं। नीचे उतर रवि, आप जाओगे पहले? और आपको रिवार्ड में इनक्रेडिबल विनिंग्स देगा। मुझे यकीन है अवेटर सुपर पॉपुलर गेम के बारे में आपने सुना होगा, है ना। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे खेला और लो बैट पर मैसिव विन हासिल की। आपको बस कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और लो बैट के साथ साइन अप कर लेना है, और आपको वेलकम बोनस भी मिलेगा लो बैट की तरफ से 1,15,000 रुपीज। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 500 फ्री स्पिन्स मिलेंगे। आफ्टर रजिस्टरिंग विद लो बैट मैं कुछ राशि जमा करूंगा और अवेटर स्टार्ट करूंगा, तो मैं 600 रुपए की शर्त से शुरुआत करूंगा। ओह विमान उड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा। और विमान उड़ गया, इस बार मैं दुआने की कोशिश करूंगा। वाह, मैंने 17,154 रुपीस जीत लिए हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। मैंने अपने बिजनेस के 17,000 पहले ही निकाल लिए थे और ये बहुत आसान है। तो अभी लो बैट पर जाइए और साहसी खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हो जाएं, जो पहले से ही इस एडवेंचरफुल खेल के साथ उड़ान भर रहे हैं। बस नीचे दिए गए कमेंट में लिंक मिलेगा आपको, वहां पर क्लिक करें और 1,15,000 का वेलकम बोनस प्राप्त करें, और मेरे प्रोमो कोड के साथ 500 फ्री स्पिन मिलेगा। सो गुड लक ऑन लो बैट। गेट खोल के बाय कर, बाय बाय, घर का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, ये घर है मेरा, ऊपर वीडियो में देखना, ये घर है मेरा, घर इसको खोलूंगा ना जब मैं, घर बन जाएगा मेरा। हाँ दंते कटने ही हैं अपने। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, शूज हाथ में उठाए हुए। सॉरी रेडी ब्रो, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। सो अभी यार मैं फिर से निकल चुका हूँ आप सबके लिए खूबसूरत जगह में कैंपिंग करने के लिए। यार इस बार कोई हमारे साथ आया नहीं कैंपिंग करने के लिए, तो इस बार सिर्फ तरुण और मैं ही जा रहे हैं। और हमारे उधमपुर में एक भाई थे रवि, अगर आप जानते होंगे उनको, पुराने व्लॉग में आपने उनको देखा होगा, तो वही हम तीन जा रहे हैं कैंपिंग करने के लिए। बाकी सब माने नहीं, माने थे बट उन्होंने यार लास्ट मोमेंट में हमें ना कर दिया, तो ऐसे लोग हमें पसंद नहीं है जो यार लास्ट मोमेंट में ना कर दें। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में जा रहे हैं कैंपिंग करने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है, खूबसूरती वहाँ की देखने लायक होगी। तो फिलहाल दिन में ही पहुँच जाएंगे, आपको दिन की खूबसूरती दिखाएंगे, प्लस नाइट कैंपिंग भी यहीं पर होगी। सो बहुत मज़ा आने वाला है यार, तो चलते हैं अपनी खूबसूरत जर्नी में। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यार आप व्लॉग को देखते हो यार, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सबसे पहले किया करो, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए वही एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अपना प्यार लाइक और कमेंट और शेयर के जरिए देंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है, और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे ऐसे कैंपिंग व्लॉग्स लेकर आते रहेंगे। अगर आप अपना प्यार कम देंगे तो फिर हम भी अपने कैंपिंग व्लॉग्स कम कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि कैंपिंग व्लॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और आप देखना चाहते हो, तो फिर लाइक कमेंट और शेयर सबसे पहले कर रहे हैं, उसके बाद व्लॉग देख रहे हैं।
बाकी चश्मा कैसा लग रहा है यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लस अगर मेरा फेस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है वो इसलिए क्योंकि यार लास्ट टाइम हमने कैंपिंग की थी ना तो क्या हो गया कि हमें क्या हो गया क्या बोलते हैं इसको स्किन बर्न हो गई थी यार, तो हमें पता नहीं था इस बारे में। लड़कियां ज़्यादा ख्याल रखती हैं स्किन का, लड़के नहीं रखते। बट मेरे स्किन तो ऑलरेडी एक सावली है, बट मैं इतनी परवाह नहीं करता था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैंने भी ये सब क्रीम शीम लगाना शुरू कर दी ताकि स्किन बर्न ना हो। तो ये सनस्क्रीन क्रीम है। तो फिलहाल चलते हैं यार अपनी कैंपिंग लोकेशन में और मिलते हैं अब आपको सीधा उधमपुर में रवि भाई के पास। तो दोस्तों अभी हम अपनी जर्नी में ही हैं और रास्ते में आपको पता है ये सामने जो खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं, इस पहाड़ों का नाम है त्रिकुटा हिल्स। यहाँ पर हमारे वैष्णो देवी का मंदिर है जहाँ पर आप काफी पूरे भारत से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिलहाल अभी हमारी जर्नी यहीं से आगे कंटिन्यू होगी। फिलहाल आपके लिए मैं रुका था कि आप यहाँ से बैठ के दर्शन कर सकते हैं और सारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय माता दी। सो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं रवि भाई के पास और रवि भाई ने एंट्री मारी एकदम क्लीन शेप बियर्ड लेस नहीं बियर्ड है ये ब्रो। काट लूं मोड़ काट लूं क्या हाल है ब्रदर क्या हाल है। अरे उधर कैमरा कर मेरे भाई के पास और भाई क्या हाल है कैसे हो ठीक हो आ जाओ अंदर बैठ यार थोड़ा सा बैक साइड कर लेना और थोड़ी सीट आ गई। बैग मेरा पड़ा हो गया यार। भाई यहाँ पर रवि भाई ने एंट्री कर दी है। रवि भाई सब लोग आपको पता मिस कर रहे थे, आपका पुराना ब्लॉग इतना सही लोगों ने पसंद किया आपको पता ही होगा सबको हाई कर दो हेलो कैसे हो आप सब सारी बड़ी सुनी यार तेरी बस मिल भी लिया तेरे से। चलो यार अब चलते हैं आगे कैंपिंग करने के लिए फिर मिलाते हैं आपको रवि भाई और तरुण भाई से आराम से बैठ के। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन के पास में, सोचा पानी शानी भर लें। हेलो एवरीवन पहुंच चुके हैं हम अपनी कैंपिंग लोकेशन में और ये है हमारी कैंपिंग लोकेशन और ये हमारी पुरानी कैंपिंग लोकेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि गवर्नमेंट थोड़ी डेवलपमेंट कर रही है और जो ये रोड के साइड बाय साइड कवर कर रही है और यहाँ पर बैरियर लगा रही है जिसकी वजह से हम कैंपिंग वालों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारे जो आने जाने का रास्ता था वो बंद हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पर अभी हमने लास्ट कैंपिंग की थी तो ये पूरा साफ था, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या हाल कर दिया और आने वाले टाइम पर शायद वो रास्ता बंद हो जाएगा जैसे वो बंद हुआ ना। तो यार बहुत नुकसान हुआ, ऐसा फील हो रहा है जैसे हमसे हमारा घर छीन लिया गया है। तो फिलहाल आज की एक शायद हमें लग रहा है कि हमारी लास्ट नाइट कैंपिंग होगी इस जगह के लिए। नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर आएंगे हम यहाँ पर कैंपिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जगह बंद कर दी जाएगी। तो फिलहाल आज हमारी फर्स्ट नाइट कैंपिंग हो रही है, वो भी रूफ टॉप टेंट कैंपिंग। और यहाँ से वहाँ का व्यू देखे कितना नज़ारा, यहाँ पर मजा आएगा इसके ऊपर सोने का और रात को ये पूरा पूरा लाइट इसमें आ जाएगी पहाड़ों में और क्या व्यू होने वाला रात का। और यहाँ पर हमारे आ चुके हैं रवि भाई ने एंट्री मारी आपको पता ही है। सो रवि भाई के साथ भी ये हमारी फर्स्ट रूफ टॉप कैंपिंग होने वाली है और मेरी भी इससे पहले तो हमने टाइम पास कर रहे थे सही रूफ टॉप टेंट कैंपिंग वो आज ही होने वाली है। सो तहलका मचने वाला है। तो फिलहाल करते हैं अपनी शुरुआत, खोलते हैं अपने रूफ टॉप टेंट को और इस खूबसूरत वादियों में चार चांद लगाते हैं इस रूफ टॉप टेंट कैंपिंग में। और यहाँ पर पंडित जी क्या क्या कहना है? सही है, मजा आएगा रात को आए रुकने का। यहाँ पे हवा बड़ी ठंडी चल रही है, मौसम ठंडा हो गया हुआ, मेरे को ठंड लग रही है। बस ठंड लग रही है, कपड़े शपड़े लाए तू मोटे पाई लिया मेरे भरावा, बाद च नहीं आख्या कपड़े नहीं आते। ठीक है दोस्तों लगाते हैं अपना टेंट। तो रवि भाई आप लगाओगे जब मैं लगाऊं? आप ही लगाओगे। ठीक है आज आप देख लो मैं कैसे लगता है उसके बाद मैं लगाऊंगा। ये दिन में नहीं ना खोला अभी तक है ना, रात को ही खोल लेना। तो दोस्तों ये आप पहली बार देखोगे इसको दिन में लगता कैसे है, ये अभी आपने रात को ही देखा है हमेशा। तो अभी आप दिन को देखोगे इसको अच्छे से कि ये दिखता कैसे है कैसा नहीं। गिराना नहीं मुझे बस। ओह ओके यार क्या बात है। चश्मे वाला हीरो। तो दोस्तों ये हमारा लग चुका है रूफटॉप टेंट और ये फर्स्ट रूफटॉप टेंट कैंपिंग होने वाली है, वो भी दिन में, इतना खूबसूरत लग रहा है। अब से पहले मैंने आपको हमेशा रात को दिखाया बट अब ये लग गया है दिन में। और ये हमारा छोटा सा घर है इतनी खूबसूरत लोकेशन में। वाह यार क्या मजा आएगा इसके ऊपर सोने का और सामने ये नजारा देखने का रात को।
हो गया पूरा परफेक्ट बैठा है। क्या हुआ? ये वाली बड़ी बड़ी। तो दोस्तों हमारा रूफटॉप टेंट लग चुका है और हमने काफी मेहनत करके लगा तो दिया, उसके बाद थक गए हम। तो यहाँ पर मैंने रवि भाई को बोला था दूध ले आना अपने घर से, तो रवि भाई दूध लेकर आ गए हैं। तो अभी हमारी एनर्जी ड्रिंक का काम कर रहे हैं यार, बोलो वो थैंक यू यार खिलाने के लिए। कोई नहीं भाई, ऐसे जब आते हो ना कैंपिंग में कुछ तो कुछ ले आना होता है घर पे जब पड़ा होता ना। तो भाई क्या चार चांद लग गए अब कैंपिंग में, छोटा सा घर बन गया हमारा, रात होते यहाँ पर नजारा बदलने वाला है। तो दोस्तों रात हो चुकी है और ब्यूटीफुल चांद हमारे बिल्कुल घर के सामने आ चुका है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर, ये एंजॉय कर रहे हैं। भाई कैसा लग रहा है? उससे ही देख कितना अच्छा लग रहा है, देख मजा आ गया। फर्स्ट टाइम रूफटॉप टेंट कैंपिंग कर रहे हो रवि भाई, आपका क्या एक्सपीरियंस है? भाई ऐसा लग रहा है पेड़ पे सोए। अच्छा, और तरुण तो सेकंड टाइम है शायद, कैसा लग रहा है? सेकंड तो है पर मजा बड़ा आ रहा है, और पता है ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि आज बैकग्राउंड में लाइट देखो कितनी खतरनाक लगी है ना, एकदम वैसे लग रहा है ड्रीम लाइफ जी रहे हैं ना। तो सामने चांद है, वाह यार। सो एवरीवन रात हो चुकी है और यहाँ का माहौल एकदम बदल चुका है, ठंड हो चुकी है, मैंने शर्ट के ऊपर जैकेट पहन लिया है और यार क्या खूबसूरत नाइट कैंपिंग हो रही है, फील कर रहे हो अपनी हमारी नाइट कैंपिंग का एकदम बदल चुकी है। जैसे हम कार के अंदर करते थे, सजाते थे, डेकोरेशन करते थे और इतनी अच्छी लगती थी, सेम टू सेम हमने टेंट के अंदर भी सजा दिया और कैसा लग रहा है ये हमारी फर्स्ट रूफटॉप टेंट कैंपिंग और ऐसे विद डेकोरेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी लगी हमारी डेकोरेशन। तरुण कैसा लग रहा है डेकोरेशन में? बड़ा सही लग रहा है यार, बड़ा नजारा आ रहा है अंदर बैठ के, पता है कितना मजा आ रहा है यहाँ पे, बता नहीं सकता तेरे को। तो यहाँ पर हमारे रवि भाई क्या कर रहे हो बाहर, अंदर आओ, ठंड नहीं लग रही आपको? भाई आ रहे हैं अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है आप आ जाओ, तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ सब्जी वगैरह, कुछ काटते हैं है नी? यार कुकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब हम चल रहे हैं कुकिंग की तैयारी करते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। तो फिलहाल डर तो कम लग रहा है क्योंकि आपको पता है पहले नीचे होते डर लगता था, आज हम ऊपर ही बैठे हैं डर कम लग रहा है। तो फिलहाल चलते हैं यार, अब सब्जी लाते हैं, क्या बनाना है तो देखते हैं है ना। तो दोस्तों अभी हम अपना ग्रोसरी का सामान निकालते हैं, और यार ये हमारी किचन सेटअप है, यहाँ पर ग्रोसरी का सामान बहुत ज़्यादा है। तो मैं इनको देता हूँ टमाटर प्याज का लिफाफा, ये यहाँ पर रख देते हैं। और क्या चाहिए इनको? वो गिरने वाला यार ये तो। और इनको क्या दूँ मैं, क्या दूँ इनको, देते हैं। तो दोस्तों हमारा सारा ग्रोसरी का सामान आ रहा है अभी, तो दोस्तों आप देख ही सकते हो थोड़ा सा जोर लगा बाहुबली। तो दोस्तों ये रहा हमारा सारा सामान, अभी हम इसको सब सेट करेंगे दोनों बैठ के, हमें करना पड़ेगा यार। दोस्तों क्या हो गया कि मैं गया था सामान लेने के लिए, सामान यार उस बीच में इतना है कि समझ नहीं आ रहा। तो मैंने ये एक चीज खरीदी थी, इसमें ना हम सारा सामान सेट कर देंगे, हमें दिख जाएगा हमें कौन कौन सा सामान चाहिए। हाँ, ये बड़ी सही चीज है, इसमें हमने ये बॉक्सेस भी बने हुए हैं, इसी में रख देते हैं ना, जैसे हम इसमें रख देंगे एक वाले में, फिर लंच का एक में रख देंगे, डिनर का एक में रख देंगे, इजी हो जाएगा। ये जैसे अभी हम अपने किचन को सजाने वाले हैं, क्या क्या है ये देखो, बनाना क्या है पहले ये तो बताओ, करते डिसाइड पहले सामान, किचन को सेट करते हैं पहले, किचन सेट कर ले, जितना है ना सही है वैसे ही है। ये भी काम, ये दोस्तों इस बार हमारे पास आपको याद होगा, इस बार हमारे पास टमाटर है, पिछली बार टमाटर नहीं लिए थे भाई, बहुत महंगा हो गया सामान। और क्या दूध दिया? दूध के पैकेट रखे उसमें, ब्रेड बन दी, दूध मैंने घर से लाया वो तो पी लिया। ओ भाई हम ग्राई शाही बंदे ना, दूध एक मिनट छोड़ते हम। और ये दूध के पैकेट है जो हमारी कॉफी चाय पीने को मिलेगा, लेकिन वो पीने को मिलेगा नहीं, पता नहीं सामान घर वापस ना जाए पूरा, यहाँ बनाता कोई नहीं, आलस आता सबको, ठंड बढ़ रही है ना यार, खाने के लिए अगर रात को भूख लगेगी, और सारा सामान वापस चले जाएगा यहाँ से, ये नहीं जाने वाले, ये सब खत्म होने वाले है। ये हमने लाई है मूंगी की दाल रात को खाने के लिए अगर भूख लगती है तो, और ये लाया मेरा फेवरेट खट्टा मीठा, अगर आपको मुझे कभी गिफ्ट देना होगा ना, मुझे हमेशा खट्टा मीठा पसंद है, तो यही देना। ये सही होता है। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीता, पर मुझे एक चीज मिल रही है, ये देखो कितना लग रहा है, ये मेरे को कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पसंद, पर दोस्तों ये मेरे को अच्छी लगी, पहली बार कोई ऐसी चीज, डाइजेस्ट के लिए ठीक रहता है ना, खा पी के एक बोतल पी लो। कितनी थी? 6 लाई थी। कितनी थी तेरे को? 5 होगी ना, ये ले 6, ये ले इसका और भी है पैकेट चाय की कॉफी की। ये देखो दोस्तों सॉस भी लाया हुआ हमने, ये देखो दोस्तों हमारा सॉस, ये हमने पिछली बार पूरा खत्म किया था, ये हमें काफी पसंद है। ये 3 दिन का सामान है दोस्तों, इतना ज्यादा देखो, मतलब हम खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो ये देखो, ये पिछली बार बहुत काम आया था। अच्छा, ये मेरी मम्मी का जबरदस्ती चार डाल दिया था पिछली बार, तो बहुत काम आया था, इस बार मैंने बोला खुद ही बोला डाल दो भाई चार, तो चार आ गया आम का, बहुत मजा आएगा खाने के साथ। इसको हम रखते हैं यहाँ पर, रख देते हैं खाली है ना पोर्शन। तेरे को चीज बताऊं,
ये पता किसका है? हाँ ये हमारे गुलाटी साहब बनाते हैं। क्या बात कर रहा है? ये उनका सबसे पहला ब्रांड है। ओके तो दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पर तरुण जॉब करता है उसी कंपनी का ये पेट्रोल बोल रहा हूँ, ये ऑयल है। उसी का नहीं मतलब सबसे पहले उनके पिताजी ने शुरू किया था, ऑयल से ही शुरू किया था उनकी सबसे। अगर गुलाटी सर जी अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज, आपकी फ्री की प्रमोशन कर रहा है आपका मुलाजम एम्प्लॉय, मैं चाहता हूँ उसको प्रमोशन दी जाए, उसको आपकी कंपनी का मैनेजर बनाया जाए। बाकी यार 1.5 लाख तक होनी चाहिए मेरे भाई की। तो ये कॉफी के पैकेट। ओके पीने का मन कर रहा, पी सकते हो भाई? हाँ ये मेयोनीज हमारी है ना, इसको भी रखिए। तो ये आ गया हमारा हैवी सामान। अब ये हमारे प्याज होंगे और आलू होंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे है ना। ये हमारे चावल आ गए, इसको रखना था यार यहाँ पे। ये तेल को उधर रख दो ना, इसको भी उधर रख दे इसको यहाँ पे। तो सारा ग्रोसरी का सामान हमने निकाल दिया, कुछ डब्बे में रहने दे मेरे भाई, जो हैवी सामान है वो डब्बे में रहने दे ना, है ना चावल वगैरह। हाँ डब्बे के ऊपर हम ये रख देंगे। तो दोस्तों यार आपको क्या बताऊं मैं, यहाँ पर किचन एकदम हमारी बन के तैयार हो चुकी है, ऊपर मैंने रवि भाई को बिठा दिया हुआ है, और आपको मैं बताऊं दूसरी तरफ ना किचन हमने नीचे बना दिया है जहाँ पर कुकिंग चल रही है, ऊपर हमारा सामान कट रहा है नीचे तरुण भाई। दोस्तों ये देखिए हमारी छोटी सी किचन, और यहाँ पर तरुण अपना वेट कर रहा है, ऊपर से सामान कट कर आ रहा है और यहाँ पर तरुण बना रहा है। और दोस्तों आप जैसे देख ही सकते हो, बेशक आपको छोटी सी किचन दिख रही है पर ये बहुत काम वाली है, ऐसी जगह पे ऐसे वाटर प्रूफ आपको किचन मिल जाए तो और क्या चाहिए। आप देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरत है ये। ओए चावल नीचे नहीं पड़े क्या? चावल नीचे नहीं पड़े हैं ना, ऊपर पड़े हुए हैं। ओहो चलो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने गुवांडी के पास चावल लेने के लिए, तो ये ग्लास ले लिया है, तो अपने गुवांडी के पास चलते हैं चावल लेने के लिए। तो पहले यार गुवांडी के घर पे जाने के लिए पौड़ी चढ़नी पड़ती है। और गौंडी जी क्या कर रहे हो भाई? बस इंतजाम कर रहे हैं खाने पीने का। आपके पास चावल हो गए? चावल खत्म हो गए हैं। चावल चाहिए? चावल दे दो यार। कितने चाहिए यार? दो ग्लास दे दो यार। दो ग्लास चाहिए? हाँ लाड़ी आखा दी, दो ग्लास चावल चाहिए यार। ये लो दो के लाना। ये लो भाई कुकर में डाल दो यार हमारे। हाँ डायरेक्ट कुकर में ही धो ले। ये हो गया एक ग्लास। हाँ एक ग्लास होगी, दोनों भी बढ़ेंगे ना। चलो भाई दो ग्लास हो गए। बड़े कम है, बड़े यार इतने कौन खाएगा यार। नहीं दो ग्लास से कम थे ना। चलो ठीक है। तो ये आ गए हमारे चावल, अब इसको दोनों भी बढ़ेंगे। दो दो शाबाश। मेरी बात सुन, ये ले पानी डाल दे इसमें। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं इसको पकड़ने में कितनी दिक्कत हो रही है, ये हमारा खराब हो चुका है। पानी ना ध्यान से यूज करना, धोले का ना इतने से पानी में। ओ मस्त है, बहुत है यार। इसमें कीड़े हैं भी दे। नहीं यार तभी कहते चावल सोच समझ के लाने होते हैं यार। सब बंद कर, अच्छे से धो, एक बारी धो के ना फिर वापस आना, फिर से पानी डाल दूंगा। ठीक है तो दोस्तों चावलों को धोते हैं। अरे यार इसने चावल फिर से खराब दे दी दुकानदार ने। ओहो इसमें तो कीड़े हैं थोड़े थोड़े ना, साफ करते हैं इसको अच्छे से। तो दोस्तों यार यहाँ पर तैयारी चल रही है, तेल फ्राई हो चुका है, सॉरी तेल गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमारे रवि भाई अंडे बॉइल कर चुके हैं, तो अभी इसको उसका छिलका उतार रहे हैं। तो डालिए यार अंडा, डालिए यहाँ पर जल्दी तेल पे। वाह तेल गर्म था ना, बड़ा ज्यादा गर्म हो गया था। दाल डाल वो भी डाल दें जो तेरे पास है। ठीक है बड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, अब हो जाएगा ये भी। अंडा ये लो भाइयों आपकी रेसिपी आ गई, सॉरी आपका सामान आ गया, किचन में आपका सामान आ गया, जल्दी रखना बनाओ फटाफट। अब इसको मैं निकाल लूंगा किसान। मैंने दो बावर्ची लाए हैं, एक उधमपुर से ले आते हैं, एक जम्मू से। प्लेट लेके आ पहले, प्लेट साथ में ही पड़ी है। ओके और मैं इनका हेल्पर बनाऊं। ओह माय गॉड, सो ये आ गई प्लेट। ये लो भाइयों प्लेट पकड़ लो। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, तो यार मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी खाना बन जाए और खाना वाना खा के हम ऊपर सो जाएं,
तो देखते हैं खाना कितना बनने में टाइम लगता है, पूछते हैं बवारचियों से, बवारचियों कितना टाइम लगेगा खाना बनने में? टाइम लगेगा ब्रो, ठंड है, सेक ही नहीं लग रहा है। थोड़ी गैस को तेज कर दो, तेज है, देख नहीं रहा कांप रहे हैं इधर। यार अंदर तो ठंड नहीं है, ये तो पूरा बंद है। मेरे को लगता है बर्फ जल्दी पड़ने वाली है। क्या बात कर रहे हैं, सही में बड़ी ठंड। तो दोस्तों खुशखबरी है, यहाँ पर जल्दी बर्फ पड़ने वाली है और हम आपको स्नो कैंपिंग भी दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वो मतलब करें लाइक कमेंट शेयर सबसे पहले कर रहे हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करेंगे सीधा इंस्टाग्राम में आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी और सीधा प्रोफाइल मेरी खुल जाएगी, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं हर किसी को फॉलो बैक कर देता हूं। ठीक है, मिलते हैं इंस्टाग्राम में। लल अब कुकिंग जैसे बनती है खाते हैं फिर पीते हैं फिर सो जाते हैं। स्पीकर ऑन ही है यार, एडवांस में पहले ऑन रखा मैंने। हाँ व्हील नाम है उसका, लगा दे गाने यार। और यार आज चांदी रात है तो बहुत मजा आ रहा है यार, और चांदी रात में हमारा घर और यहाँ पर म्यूजिक, क्या मजा आएगा यहाँ पर, है ना। लगा दो गाने यार, लगवा रहे हैं, आ रही है बस, थोड़ा नेटवर्क इशू है। ओके, थोड़ा नेट इशू भी यहाँ पर तो गाने थोड़े टाइम लगता है। डाल दे सारे, सारे डाल रहे हैं, मैंने कौन सा कर लेके जाने हैं। चुप शांति, दोस्तों बाहर से ना आवाज आ रही है भाई, रवि भाई ने हथियार पकड़ लिया, क्योंकि पता क्या हो रहा है सामने से टॉर्च बहुत ज़्यादा मारी जा रही है गांव के लोगों की तरफ से, क्योंकि वहां पर शायद लैपर्ड आ गया हुआ है या क्या, कौन सा जानवर आया हमें नहीं पता, बट वहां पर कुत्ते भी कांस्टेंट भौंक रहे हैं ना। ध्यान दे, कुत्ते कितने भौंक रहे हैं, ये कुत्ते पता क्यों भौंक रहे हैं, पक्का कोई अनजान बंदा आया होगा या कोई भाई अनजान बंदा इस टाइम जंगलों में थोड़ा आएगा मेरे भाई। सही बात है, इस टाइम जानवर ही होते हैं जो जंगली जानवर ही होते हैं जो इस टाइम घूम रहे हैं, कोई जंगली जानवर वगैरह होगा, कुत्ते कंटिन्यूसली भौंकते ही जा रहे हैं, देख चुप ही नहीं कर रहे। ऊपर से है भी कोई नहीं इधर यार, गाने शाने चल रहे थे ना, गाने शाने चल रहे थे उसके बीच में इनकी आवाज़ कितनी आ रही है, इनकी आवाज़ इतने यार। दोस्तों अभी हमने गाने लगाए हुए थे, हम एंजॉय कर रहे थे, बट तरुण की आवाज़ ही कहता गाने की आवाज़ बंद करो, आवाज़ आ रही है। तो हमने जैसे गाने की आवाज़ बंद की तो हमें कुत्तों की आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ से हमने देखा गाँव के लोग टॉर्च मार रहे हैं, शायद उनको कोई जंगली जानवर दिख रहा है या क्या है, कुत्ते भी कांस्टेंट भौंक रहे हैं। देखो अगर आपको आवाज़ आ रही सुनो दोस्तों, जैसे ही हमें आवाज़ आई ना हमने गाने शाने कर दिए बंद भाई, रवि भाई ने सीधा हथियार पकड़ लिया एक मिनट में, क्योंकि रवि भाई को पता है यार जंगलों में कैसे रहना होता है, तो फटाफट तरुण भाई ने एक सेकंड ही लगाया हथियार पकड़ लिया अपने हाथ में। तो यार जितना कैंपिंग आपको देखने में मज़ा आता है ना, ये हमें पता है कि मज़ा तो हमें भी आता है, लेकिन ऐसे खतरों के बीच में हमें ये कैंपिंग करनी पड़ती है, ये बहुत खतरनाक। अभी मेरा दिल भाई ऐसे हो गया, मैंने तो देखा ना जैसे लगा कोई डर लग जाता है एक मिनट में कसम से। दोस्तों मेरा मतलब क्या, उधर दिखा ले खतरनाक जंगल है भाई जहाँ पे लैपटॉप। हाँ ये खतरनाक जंगल है सामने, तो मैं यार यही कहूँगा आपसे, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, रिस्क लेते हैं, तो आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे यार लाइक कमेंट शेयर सबसे पहले करें। हाँ दोस्तों, और कमेंट भी करें आपको कैसा लग रहा हमारा ब्लॉग। आवाज़ सुन रहे हो, कुत्ते तेज भौंकने लग गए एक मिनट में यहाँ का। देख यहाँ पे चांदनी रात है ना, बादल शादल दिख रहे हैं पीछे। आज दोस्तों चांदनी रात है ना, इस वजह से क्या हो गया कि थोड़ा आज अंधेरा कम है, तो थोड़ा डर कम लग रहा है, तो हमें दूर दूर तक विजिबिलिटी जा रही है। अरे सुन मेरी बात, इस तरफ का माहौल देख कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो दोस्तों इस तरफ देखो, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे बड़ी बुरी हालत है। तो दोस्तों खाना बन के रेडी हो चुका है, हमारे बवारची रवि भाई और बवारची तरुण जी ने खाना बना के रख दिया, तो अब खाते हैं यार, ऊपर खाना खाते हैं और वहां से बैठ गया यार, वो खूबसूरत नजारा देखने को जो मिलेगा ना, तो है ना वो एक नंबर है यार, तो उसी के पैसे वसूल है। तो यार अभी क्या करते हैं, खाना लेके चलते हैं ऊपर यार। चलो हाथ में कुछ लेके जाओ मेरे भाई, खाली हाथ की जा रहे हो ये काम चोर वाले काम नहीं कर रहे यहाँ पर, हथियार तो सबसे पहले लेके जाना है। चावल हमने पहले ही रेडी कर दिए थे। ओके चावल रेडी है, ले जाओ ऊपर। तो दोस्तों रवि भाई लेके हैं चावल और मैं लेके जा रहा हूँ हमारे एग कड़ी। तो दोस्तों ये है हमारा हथियार और ये हमारे चावल और ये है हमारी सब्जी और ये हमारे रवि भाई जो कि खाना सर्व करेंगे और ये हमारा म्यूजिक सिस्टम जिससे हमारा एंटरटेनमेंट चलेगा और ये हमारा ग्रोसरी और वो सामने ब्यूटीफुल नजारा और ये हम खा रहे हैं खाना। तो दोस्तों तरुण ने पता नहीं क्या गलती कर दी यार, पिछली बार हम पांच बंदे थे तो दो ग्लास चावल बनाते थे, इस बार इसको पता नहीं मैनेजमेंट ने समझ नहीं आई, इसने इस बार दो ग्लास चावल फिर से बना दिए तीन बंदों के लिए, तो यार चावल बहुत ज्यादा बना दिए इसने यार। मैं
मेरे को यार थोड़ा सा चावल देना चाहता मैं डालना यार, बस बस काफी है इतने, अगर टेस्ट लग गया तो और खाऊंगा। ओ बड़े हैं यार, चावल कोई कमी नहीं है। दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं फिलहाल तो वेजिटेरियन ही हूँ बट मैं एग खा लेता हूँ, सीधी सी बात है। मैं एग को नॉन वेजिटेरियन में कंसीडर नहीं करता यार। दोस्तों मैं भी वेजिटेरियन हूँ पर मैं भी एग खा लेता हूँ। और यहाँ पर एग कड़ी डाल रहे हैं, इतनी सही लग रही है देखते हुए। तरुण एक बाइट लेके बता कैसी है। ओ ये मैंने खा के देखी, सब्जी सही थी, इसके साथ खा के देखता हूँ। साल भाई प्लेट करो। प्लेट ओके, ये लो मेरी प्लेट ले लो। आप लूं? दिखा टेस्ट कैसे भाई। एक नंबर टेस्ट है, बड़ी सही लग रही है। लाजवाब, मैं पहले मैंने चख के देखी है, लाजवाब है भाई। ऐसी मैंने खाई नहीं कभी। चाहिए यार, स्वाद लग रही है बड़ी। और ये आ गई हमारी प्लेट। मेरा स्पून कहाँ है भाई, मैं स्पून लेके आया था। लाया मैं भी था, पता नहीं। चल यार जिसका भी आया उठा लिया मैंने, ये मेरा ही था। अब मेरे को नहीं पता भाई, मेरा ले आओ मैं ये दे देता हूँ। खा ले अब क्या। उन्हें हाथ ले लिया। अब मेरे को था, मैंने लाया था, मेरे को मिल ही नहीं रहा। तो दोस्तों अब खाते हैं यार खाना, और आप भी इंजॉय करो खाने को, अपने को हमारा इंजॉय करना, हमारा भी इंजॉय कर सकते हो। देख के अच्छा लग रहा है ना, देख के खाने में भी अच्छा ही लग रहा है वैसे। खा के देखो यार, और ये ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ खाना खाएंगे हम। खाना खाते हैं आराम से। क्या हो खाना टेस्ट है भाई। ऐसी बात नहीं है, मेरे को वो लग गया सूंड लग गई। आप लोग क्या बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, खाना खाते टाइम ऐसा हो जाता है। हमें गलती की पानी पास में रखना था, पानी हमें डाला ही नहीं, पता पानी पास में होना चाहिए। पानी हम नीचे पड़ा कौन जाएगा। ठीक है खाते हैं। या मुझे लगता है जो व्यूअर्स देख रहे हैं ना वो गाली दे रहे होंगे, या इतना अच्छा टेस्टी खाना खा रहे हैं हमें नहीं दे रहे हैं। तो तभी ये मेरे यहाँ साथ ये हालत हो रही है। पता क्यों है ऐसे, ये तो गर्म खाने से पहले ना इसकी जो हवा है ना स्टीम, वो पहले चलेगी, स्टीम है ना वो चलेगी मेरे यहाँ पर, उसकी वजह से हुआ ये। खाना भी गर्म गर्म ही है बड़ा टेस्ट है, लाजवाब खाना यार, मजा आ गया, अच्छा लग रहा है ना। ये क्या कर रहा है। बस बस भाई भाई, बात बात भाई, यो कैंपिंग में खाना पीना होता तो भाई बर्तन धोने होते नहीं, ये क्या। तो दोस्तों ठंड बहुत है, बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा, बट क्या जल्दी कर जल्दी दोस्तों बना हम देते हैं। बस बस बस, बर्तन धोने का काम साहिल भाई का, और क्या। ये जितना मर्जी बड़ा यूट्यूबर बन जाए तू, धोने धोने भांडे ही है लास्ट में ये भाई याद रखना। कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे काम, हमारा काम ही यही है, हम अपना काम भी नहीं करेंगे तो जिंदगी में करने क्या है। हम सही बात है, स्मार्ट लग रहा है देखना, इधर सोना लग रहा है, स्मार्ट तो लग रहा है, तभी भांडे धोने पड़ेंगे। बस बस हाथ कहाँ पर। सो दोस्तों यार हमने खाना वाना खा लिया, बहुत ज़्यादा टेस्ट बना था, और आई होप आपको भी देख के अच्छा लगा वो खाना। तो अभी हम सोने वाले हैं, और यहाँ पर टेंट में हम तीनों बंदे आ चुके हैं आराम से, खुले डुले सो रहे हैं, कोई टाइट भी नहीं है। तो बट थोड़ी सी मैंने गलती कर दिया, मैं स्लीपिंग बैग गलती से घर भूल गया, तो अभी थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है अंदर, बट हवा नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्रॉसिंग बिल्कुल भी नहीं हवा की, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। तो ठीक है अब सोते हैं, अब आपको मिलते हैं सुबह, सुबह का नज़ारा दिखाते हैं, खूबसूरत वही है हमने जो देखा था पहले, बट दिखाएंगे सुबह का भी थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ठीक है, गुड नाइट। बाकी सब सो गए मेरे भाई, बाय बाय। आवाज आ रही है ना नीचे से। देखे है नीचे। दोस्तों आवाज आ रही, मजाक नहीं कर रहे भाई, आवाज आ रही, मजाक नहीं कर रहे हैं। इसकी आवाज आ रही है, आवाज गाड़ी के पास कुछ है भाई, ध्यान से यार, हथियार कहाँ पे है। हथियार पकड़ ले यार भाई, भाई सच में आवाज आ रही, मजाक नहीं कर रहा यार। चलो उतर नीचे यार, जीप कहाँ पे है, चलो भाई ध्यान से जाना यार। कसम से यार मेरे को आवाज आई है मेरे साले में, एकदम से नीचे। तू कौन उतरेगा पहले, मतलब एकदम से नहीं उतरूंगा, पहले मैं देखता हूँ ना क्या है क्या है क्या नहीं। दोस्तों कसम से बाहर से आवाज आ रही है, अभी हम नीचे उतरने वाले हैं हथियार लेकर। देख पा रहे कुछ, दिख रहा तुझे यहाँ से? नहीं दिख रहा कुछ, नहीं दिख रहा ना। है ना।
नीचे ले पहले पहले जिप खोले अच्छे से यार, जिप खोल ले अच्छे से, नीचे उतर रवि, आप जाओगे पहले, थोड़ी दूर पहले उतर यार। मैंने पजामा वगैरह नहीं पहना हुआ, निकर पहनी हुई है, लत मेरी खा गया ना कोई, नहीं खाएगा यार, हथियार हथियार लेके आगे चलते, इसको फोल्ड कर यार, कमर पीछे कर, आराम से ध्यान से उतरना ठीक है। कुछ दिख रहा है नहीं, मांजे है चप्पल 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 निकालो चप्पल निकालो, रुक मैं भी आ रहा हूँ, अच्छी बात है थोड़ा दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, चांदी रात है ना, मेरी बात सुन, इस तरफ से तो हमें सब दिखाई दे रहा है ठीक है, इस तरफ से हमें कोई खतरा नहीं है, आवाज आ रही है भाई, ये छोटे लापड़ की आवाज लग रही है बच्चे की, तरुण मजाक नहीं कर रहा, छोटा लापड़ का बच्चा नहीं होता उसकी आवाज लगी है मुझे, मेरे को डर लग रहा है भाई, छोटा बच्चा नहीं होता लापड़ वाला, उस लापड़ की छोटे के बच्चे की आवाज लग रही है, मेरे को डर भी लग रहा है, अरे मेरी बात सुन, बाकी सब चीजें रही साइड पे, आवाज तो 100% थी, अब ऐसे लगा कि मंजे मंजे तो थी नहीं, फिर क्या चीज हो सकती है यार, पता क्या भाई, रात की 12 बज रही है भाई, उधर चलते हैं, बाहर रिस्क लग रहा है यार, बाहर है ना रिस्क है, थोड़ा आगे पीछे देखो यार, अंदर तो कुछ घबरा हुआ, तरुण कुछ है अंदर, यहाँ अंदर जाने का रास्ता है, वैसे है तो है, खाने का सारा सामान ना हमने इस छोटे नीचे वाले किचन में रखा हुआ है ना, क्या पता कुछ स्मेल करता हुआ आ जाए नीचे, है कुछ नीचे, छोड़ो यार भाई, मुझे तो ऐसा लगा जैसे कुछ लैपड़ या छोटे जानवर का बच्चा नहीं होता, उसकी आवाज थी पूरी, भाई यार आवाज सच में थी, तो आई थी यार, वो देख फिर से आई, सुना इधर से आ रही है, है कहाँ से आ रही है, एक काम करते हैं आवाज जो मर्जी चुपचाप जाके सो जाते हैं, है? सो जाते हैं यार, नहीं बाहर इसका यार, वो आगे से आवाज आ रही है इसका, अपनी पूरी तो इसको फोल्ड करके ऊपर ही रख, कुछ और नहीं हो यार, कुछ और नहीं ना, भूत नहीं ना, भूत हो होंगे अभी, ये भूत की आवाज नहीं है, वो देने के लेने पड़ जाएंगे, मेरी बात सुन, 12 बज रहे हैं कोई पता नहीं, चलो चलो फिर ऊपर यार, क्योंकि यहां पे ना ऊपर चल यार, पहाड़ में कुछ भी हो सकता है, चल चल चल, तो मैंने पकड़ा हुआ है, तू तू लास्ट मारना, तेरे पास हथियार है ना, चल चल, वो देख 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 फिर से आवाज आई है, नहीं ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, रवि ऊपर चलो यार, चप्पे रहने दो इधर यार, रवि पकड़ो मोबाइल, बनाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ, कलर रह गया थोड़ी देर और, तो मैं ये जगह पे आ जा आ जा आ जा आ जा, रवि थोड़ा ऊपर आ जा, तू ऊपर आ जा जल्दी जल्दी, तू ऊपर आ जा, हथियार 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 दे दे, आ जा आ जा ऊपर, ठीक है, पता नहीं यार क्या चीज़ है, आवाज़ तो बड़ी खतरनाक आ रही है भाई, आवाज़ तो आई थी पर रिस्क नहीं ले सकते यार, तरुण ये किसकी आवाज़ है, मेरे को लगा लापड़ की आवाज़ है, अच्छा अच्छे से बंद कर दे यार, अब आवाज़ जो मर्जी आए मेरी आवाज़ सुन, अब खोल के ना बाहर नहीं जाना ठीक है, नहीं सही बात है यार, इस टाइम बाहर जाना, तेरी नींद कच्ची है, मेरे को नींद आ जाएगी मैं सो जाऊँगा, तेरी नींद कच्ची है, तूने उठ के बार बार मेरे को उठाना है मुझे पता है, इसको नहीं खोलना, बाहर जाने की कोशिश नहीं करना, चुपचाप सो, हथियार अपने पास रख लेना, हथियार तो अपने पास रख, हथियार अपने पास रख लेना, ठीक है कहाँ रखा, हथियार मैंने इधर रख दिया, ये इधर अपने पास रखा ना, हाँ बस ठीक है, तेरी नींद कच्ची है, तूने उठते रहना बीच बीच में, ज्यादा दिक्कत आएगी कोई उठा लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, पर उठना नहीं, कोशिश करना सोए रहा, बाहर से कोई आवाज आती है, अब हम ऊपर है, तेरे को पता ही है, अब इधर टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं है, डर लग रहा है, सांस चढ़ गया, पर सोयो, डर लगना ही है यार, सो जाना ठीक है, टेंशन लेना ज्यादा, चल ठीक है, चलो ठीक, तो दोस्तों यार सो तो गए थे हम, लेकिन हमें जब आवाज़ आई बाहर तो अब हमारी पूरी नींद ख़राब हो चुकी है, अब हमें नींद नहीं आ रही, हमने सोचा क्या करें, तो थोड़ा टाइम पास करने के लिए हमने क्या किया, अपने म्यूज़िक सिस्टम को ऑन कर दिया,
और भाई ने लगा दिए रवि भाई ने गाने, तो बस इसी को थोड़ा एंजॉय करेंगे और जब तक नींद नहीं आएगी तब तक गाने सुनेंगे, है ना। लगा दो भाई थोड़ी आवाज़ को, थोड़ा बढ़ा दो, इतने भी नहीं करना है कि गांव के लोग दूर दूर से उठ के हमारे पास आ जाए भाई कौन है यहाँ पर बरात, बिल्कुल ही कम है। बस बस बात है अगर अभी हम बाहर होते ना आप डांस करते यार, लेकिन अभी टट कर रहे ना तो यही फील ले रहे हैं लापड़ के चक्कर में, फोन पे अपना शेर बना लिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और थोड़ा लेट उठे हैं और आप मेरा फेस देखे हंसना मत, क्योंकि यार थोड़ा लास्ट टाइम ट्रिप की थी तो स्किन बर्न हो गई थी, तो उसको रिकवर करने के लिए थोड़े सी हमने सनस्क्रीन क्रीम लगाई है, बहुत बना मुझे पता जोकर लग रहा हूँ, बट फिलहाल छोड़ो अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। यहाँ पर पंत और बना रहे हैं हमारे, क्या बना रहे पंत? सैंडविच बना रहे हैं, तो यहाँ पर सैंडविच की तैयारी चल रही है और यहाँ पर रवि भाई हेल्प कर रहे हैं पंत की कॉफ़ी बनाने में, तो मैंने सारा सामान को ला के दिया है, अब आगे का काम इनका और फिर हम खाएंगे और इसको सिमेट के हम करेंगे रस्ट, ठीक है नहीं। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा घर और सामने सूरज, रात को चांदी रात यहाँ पर निकली हुई थी, आपने देखा ही होगा, तो यार यहीं पर हमें रात को आवाज़ भी आई थी यार सुबह रात को, तो वो तो मिला नहीं कहाँ से आई थी लेकिन रात थी। चलो अभी करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और फिर मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल मीट यू सून, और ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करके जाना और मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, क्लिक करें और सीधा आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।